देखो महेंद्र, तुम्हें अब देर नहीं करनी, तुम जल्द ही किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, दोनों फेफड़ों पर आसार मौजूद है। सब जानता हूं डॉक्टर साहब, काल ने मुझे खेल रखा है और इससे अब कोई छुटकारा नहीं, मगर मैं सोचता हूं मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। मेरा तो कोई नहीं, इसका भी कोई है या नहीं ये नहीं जानता। क्या वो तुम्हारा भांजा नहीं है? जी नहीं, इसके माँ बाप इसी बस्ती में रहते थे। जब ये 6 महीने का था तो वो दोनों बेचारे हैजे में मर गए, तभी से मैंने इसे अपने सीने से लगाकर इतना बड़ा किया है। अब इसे किसके साथ छोड़ दूं डॉक्टर साहब, कौन इसे मेरी तरह प्यार करेगा, कौन समझेगा इसे कब भूख लगी, कब और किस वक्त इसे किस चीज की जरूरत है। मगर उसे तो अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से उसे भी ये रोग लग जाने का अंदेशा है। इट्स वेरी इन्फेक्शियस। हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं तो मरने के करीब हूं, उसे तो दुनिया देखनी है, मगर कहां ले जाऊं, किसके पास ले जाऊं। कोशिश करो, कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। अच्छा मैं अब चलता हूं, तब तक तुम वही दवाई पीते जाओ और देखो हॉस्पिटल जाने की जल्दी कोशिश करो। मेरी छतरी। छतरी? वो तो यही थी। लो जी हमारे गुब्बारे प्यारे प्यारे, ये धरती के फूल गगन के हैं तारे। ले लो जी हमारे गुब्बारे प्यारे प्यारे, ये धरती के फूल गगन के हैं तारे। ओ मेरे नन्हे राजा इनको लेना मत भूल, हाँ समझे। ओ मेरे नन्हे राजा इनको लेना मत भूल, इनकी पीठ पे बैठे तो ले जाए तुझे स्कूल। रबड़ के ये बच्चे ये चीलों के चचे, तेरे यार सच्चे न देवे ये गच्चे, ये इंसान से अच्छे है थोड़े से बच्चे, ये इंसान से अच्छे है थोड़े से बच्चे, ये इंसान से अच्छे है थोड़े से बच्चे। करें ये इशारे के हम हैं तुम्हारे, ये धरती के फूल गगन के हैं तारे। ले लो जी हमारे गुब्बारे प्यारे प्यारे, ये धरती के फूल गगन के हैं तारे। कहीं का हुँ? चल चल तेरे मामा के पास। खूब गुण सीखे जा रहे हैं, दूसरों की चीजें छीनता फिरता है, तू बड़ा होकर क्या करेगा। रो मत, चुप कर, बोल उसके गुब्बारे क्यों छीन लिए थे, बोल बोल। मुझे गुब्बारा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। रामू के बाप ने 2 गुब्बारे ले लिए हैं, मुझे तो कोई नहीं ले देता। तेरे पापा होते तो तुझे भी ले देते। मेरे पापा से कौन ना मुझे भी ले दे। तेरे पापा? तू जानता तेरे पापा कहाँ है? तुम ही तो बोलते हो मुझे छोटा जोड़कर चले गए, तुम उन्हें बोला के लाओ मैं उनसे
गुब्बारा लूंगा, बॉल लूंगा, तुम उन्हें खोलो। बुला लो। अच्छा तू अपने पापा के पास जाएगा ना, हाँ? तो रोना बंद करो, अगर रोगे तो नहीं ले जाऊंगा। हाँ अटेन चुप, राइट। अरे तू तो पक्का सिपाही बन गया है। अच्छा अब राजा बेटा की तरफ जाकर अपने कपड़े और जूते पहन के आओ। तो क्विक मार, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जी मैं इस बच्चे को यहाँ भर्ती कराने आया। यहाँ एक और मुसीबत मेरे ऊपर डालना चाहते हैं, देख रहे हैं इन शैतानों को, बंदर बनाना चाहते हैं बच्चे को। चले जाइए चले जाइए, मैं कहता हूँ चले जाइए चले जाइए। चल बेटा यहां से चल। कितनी देर तो हो गई पापा नहीं आए। आते ही होंगे बेटा, अभी तो शाम हुई है ना, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा मुझे खिलौना देंगे? हाँ हाँ तुम्हें बहुत से खिलौने देंगे, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा तुम मुझे छोड़कर अपने पापा के पास रह सकेगा ना? कहाँ है पापा? आते ही होंगे बेटा, तेरे पापा बस। बिल्कुल बूढ़े। चल बेटा उधर चल चल। बाबा पैसा। क्या पैसा? चलवा के रख दे बाबा एक पैसा। ये भी बेकार है। तुम्हारे घर गया था यार, पता चला तुम यहाँ। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। तुम मालती चटर्जी के सालगिरह में जा रहे हो? वहाँ तुम्हें हेमा, ललिता, रागिनी, पद्मिनी, ये चार लड़कियाँ मिलेंगी, इन सबसे कह देना मैं जरूरी काम से दिल्ली चला गया। तुम दिल्ली जा रहे हो क्या? नहीं यार, मालती से कहा था उसे मोतियों का हार दूंगा, और इन चार लड़कियों से कहा था कि पार्टी के बाद उन्हें होटल में ले जाऊंगा। मैं जाता जरूर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहते हो यार, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? सच मान, बाबूजी ने कल से जेब खर्च बंद कर दिया। क्यों? रीटा गुप्ता के बाप ने बाबूजी के पास आकर खूब आग लगाई है कि मैं उसकी लड़की को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तो वो शैतान ब्लैकमेलर तुम्हारे बाबूजी तक पहुँच गया? और सबूत के तौर पर रीटा के साथ मेरा कोई फोटो भी उन्हें दिखा दिया। तो क्या मार ले गया कुछ रकम बाबूजी से? ये तो पता नहीं बाबूजी ने उन्हें कैसे संभाला, मगर अपना तो जेब खर्च बंद हो गया। और साथ बाबूजी ने ये धमकी दी है कि अगर उनकी मनपसंद लड़की से शादी न करूं तो घर ही से निकाल देंगे। अच्छा यार क्या करूं, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, जेब तो बिल्कुल परेड का मैदान बन गई है, बस 10.5 रुपए हैं। बाबूजी इस बढ़िया को भी कुछ मिल जाए। अरे मैया जान मत खाओ, जाओ। तुमने क्या सोचा? सोचता हूँ बाबूजी की बात मान ही लूं, मगर उन्होंने लता को पसंद किया। लता? यार वही अंबिका बाबू की लड़की। ओ ये यार तुम उस खुंडी भैंस से शादी करोगे? चारा ही क्या है, जब अपने मर्जी के मुताबिक शादी करने की गुंजाइश ही नहीं तो क्या भैंस क्या गाय, पैसे तो मिलेंगे कम से कम। हाँ ये तो सही बात है, पर यार अब तो ज्यादा देर हो जाएगी, मैं यहीं बैठता हूँ। और सुन कल मुझे 400-500 रुपये भेज देगा। अच्छी बात है बेटा। वो देख तेरे पापा बैठे हैं। कहाँ? अरे देख ना वो जो बैठे सिगरेट पी रहे हैं। हाँ हाँ वही तेरे पापा है, जो बातें तुझे सिखाई सब याद है ना? खबरदार अब मत छोड़ना, नहीं तो फिर चले जाएंगे। है जाओ।
चले जाओ। अटेंशन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेरा नाम नहीं जानते? टमाटो। टमाटो? अरे वाह, बिल्कुल टमाटो है, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कमल राय दी ग्रेट। सुना मेरा नाम? कमल राय दी ग्रेट। अरे बड़े होशियार लड़के हो तुम, जाओ खेलो। तुम मेरे वास्ते गुब्बारा लाओगे? खेलना है? आओ सब ले आऊंगा। मैं भी चलूंगा। तुम कहाँ चलोगे? मेरे साथ? किसके साथ आए हो? जाओ नहीं तो घर वाले ढूंढेंगे तुम्हें। नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे अच्छे लड़के जितने क्या करते, जा बैठो इधर, जा। पापा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पापा? कौन है तेरा पापा? तुम। चल चल बैठ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पापा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पापा। अरे जाने दे जाने दे, ये देख दो नंबर रेस का पहले नंबर घोड़ा आया। अरे तेरे घोड़े की ऐसी की तैसी, यहाँ बाप अपने बेटे को छोड़कर भाग रहा है। अरे वो तो भागेगा, ये देख दिलावर घोड़ा ऐसा भागेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अपने ही बके जाएगा, ये किसी दूसरे की भी सुनेगा? यहाँ बाप अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है। जाने दे जाने दे। हैं? बाप अपने बेटे को छोड़कर भाग रहा? हाँ ठीक है तो। अरे हे बाबू साहब, जरा सुनिए तो, ये अपने लड़के को कहाँ छोड़े चले जा रहे हैं? अजय साहब, लड़का है ही किसका जो छोड़े जा रहा हूँ? तो फिर ये कौन है आपका? मालूम नहीं कौन है, मैं तो पहचानता भी नहीं। जबरदस्ती कर साथ चलूंगा, देखिए तो। मत रो बेटे, बताओ तुझे तुम्हारे क्या लगते हैं? नॉनसेंस, मैं तेरा पापा क्यों होने लगा? क्यों साहब, ये आपका लड़का नहीं है? अजी साहब, मेरी शादी नहीं हुई, लड़का कहाँ से आया? बहुत खूब। क्या खूब साहब? यही कि ना शादी हुई और ना ब्याह, और लेक पे पहुंच के बाप भी बन बैठा। भाई बात तो बड़ी दिलचस्प। हरी पार्कों की मोहब्बत और मोहब्बत में नाकामयाबी के बाद इसी लेक में खुदकुशी के वाकयात तो बहुत देखे। लेकिन जनाब, आपकी तरह इतने बड़े बच्चे को छोड़कर भागना, भाई ना कभी देखा है न कभी सुना है। अच्छा बच्चे, तुम्हारी माँ कहाँ है? सुन लीजिए, हजरत फरमाते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, वो बच्चे को पहचानते तक नहीं, और बच्चा कहता है कि यही उसके बाप है, और माँ का पता भी यही जानते हैं। साहब, ये बच्चा इन्हीं का है, जरूर इन्हीं का है। जी हाँ। पापा मत शट अप। ए हजरत, जरा तहजीब से बात कीजिएगा, तहजीब से। तहजीब का नमूना तो आप लोग खूब पेश कर रहे हैं साहब, कि मुझ शरीफ को तंग करने इस तरह। बड़े आए शरीफ आदमी। यही साहब आपकी शराफत है कि अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? साहब मैं कह रहा हूँ, मैंने इसे कभी देखा नहीं है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। ओ जबरदस्ती गले पड़ गया? वो सुनिए हजरत, ये आप ही के गले क्यों पड़ गया? और भी तो लोग हैं इस पार्क में, उनमें से किसी को पापा पापा कह के क्यों नहीं पुकारने लगा? साहब नहीं था, मेरे ही गले पड़ जाता। अरे भाई ये हंसने की बात नहीं है, इसमें जरूर कोई ना कोई राज। हाँ जी, मैं कहता हूँ जरा दो चार दे दो, अभी सब रात वास निकल जाएगा। राज की बात है, लड़ना है तो एक एक करके आ जाओ, समझे? अरे बात फिर में क्या रखा, जरा पुलिस को खबर कर दीजिए, सब पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव। हाँ जी बुलाओ पुलिस को। हाँ खबर कर दो पुलिस को। बड़े ए मिस्टर साइकिल, जरा जाओ तो पुलिस चौकी, बुला के लाओ पुलिस को, अभी जरा जल्दी से बुला के लाओ। अरे साइकिल वाले साहब जरा सुनो। मजमा लग गया? मजमा लगेगा क्यों नहीं, हम लोग पब्लिक है मियाँ, पब्लिक। आप पब्लिक की आंखों में झोल झोंकना चाहते हैं क्या? आप पब्लिक की आंखें होती तो कोई बात भी थी क्यों? आप पब्लिक की इंसल्ट कर रहे हैं, फिर से कहिए क्या कहा आपने? कुछ नहीं साहब, जरा सी बात थी, आप लोग समझे नहीं, ये लड़का है जिद्दी और शरीर, जरा से डरा रहा था, और कोई बात नहीं है, वरना सच मुझे थोड़ी छोड़े जाता। चल बेटा, हमारा तुम भी बड़े अजीब आदमी हो जी, चार शरीफ आदमियों का वक्त जाया किया बिला वजह। कमाल के आदमी आप, मजाक रहा क्यों है? अच्छा मजाक रहा, ऊपर से हंसते हैं। जरा सी बात थी, अफसाना कर दिया, अफसाना कर दिया। अच्छा मिस्टर पब्लिक, टाटा टाटा। तुमने भी कहां फंसा दिया, चलो ना अपने दिलावर की बात करते हैं।
आइए जी, चलो चलो जी। पापा 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 मारूंगा तमाशा, मुंह घूम जाएगा। मारना नहीं, हाँ पापा मुझे मारते हैं। पब्लिक इकट्ठा करेगा फिर से, गाड़ी पर चढ़ने का अच्छा बहाना ढूंढ निकाला। तेरे घर किधर है बोल, तेरे घर किधर है? मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मेरे घर? मेरा कबाड़ा करके रहेगा? बोल तेरा घर किधर है? कैसे रंग है तेरे घर का, लाल नीला पीला? बोल कौन सा घर है तुम्हें से? बोल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। बहुत गाड़ी पर घूम जा, उतार दूंगा, उतर। पापा मुझे जोर कर मत जाना, पापा मुझे जोर कर मत जाना। नहीं छोड़ के जाऊंगा, चुप रह, नहीं छोड़ के जाऊंगा, चुप रह, चुप रह। तो काफी देर मोटर में सैर कर लिया, उतरेगा? नहीं। देख बड़ी देर से मोटर में घूम रहे हैं, मुझे तो भूख लगी। तुझे भूख लगी? हाँ। भूख लगी? हाँ। कुछ खाएगा? हाँ। ऐसा करते किसी होटल में चल के कुछ खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। आइए बैठिए साहब। नहीं मैं अंदर बैठूंगा। देखो इसके लिए चॉप, कटलेट, ऑमलेट, केक, पेस्ट्री जो कुछ तैयार सब लेते हैं समझे। और आपके लिए? मेरे लिए पानी, ठंडा पानी समझे। पानी? हाँ पानी। अजीब बात है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुझे अपना बाप बनाने को और कोई नहीं मिला था? हूँ क्या? मैं जानता हूँ तुम मेरा बाप है। बाप है? अरे चल फटा भेज दो, ले खा ले, पेट भर जाएगा। हाँ पेट भरेगा ना। जलेबी? जलेबी? अरे ये सब अच्छी चीजें, ये सब खा ले, अच्छी नहीं है। खा। बॉय कितना बिल हुआ? जी 4,500। पापा पैसे देने जा रहा हूँ, तू खा। ले खा, पैसे दे कभी आता हूँ, भागूंगा नहीं। तुम कहीं जाओगे तो नहीं? मैंने कहा ना मैं नहीं भागूंगा, तू खा ले। मेरा बेटा, मेरा कितना अच्छा बेटा। बॉय यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता है? जी इधर से जाना है। मैंने आपको देखने का भेज। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाइए जाइए। के मैदान में तुमने मुझ पर वार किया था, आज मैं उसका बदला लूंगा। ऐसा? मैं भी तुम्हें 200 साल से ढूंढ रहा हूँ, आज मैं भी बदला लूंगा। ऐसा? आओ लड़े। लड़ो यार, छोड़ो। बीड़ी है तुम्हारे पास? बीड़ी? बीड़ी? सिगरेट चाहिए? नहीं बीड़ी, दुकान से ले आता हूँ। लाओ बैठे। हाँ
मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के संग डो। तो साहबजादे टमाटर आप इसी गाड़ी में ही तशरीफ रखते हैं? आपने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छी आगे आके क्या कीजिएगा, वहीं बैठिए ना। मैं चलती गाड़ी से कूद तो सकता नहीं हूँ, जब गाड़ी रुक जाए तो यहाँ आके बैठ जाइएगा। आएंगे, आइए। क्या कह रहा? वो जो तुमने दिया था बड़ा अच्छा है, तुम भी खाओगे? नहीं सपूत, तुम ही खा लो। मेरी किस्मत में तो चक्कर खाना बदा है, अब और क्या खाऊंगा। अरे भाई बैरिस्टर, ओ कमल, आओ आओ यार, बैठ बैठ बैठे बैठा। एक मुसीबत आ पड़ी, तुमसे सलाह लेने आया हूँ। मुसीबत? वही रीता गुप्ता वाले मामले में ना। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि हजरत जरा संभल के चलना, इन लोगों का धंधा यही। अरे ये बात नहीं है यार, एक खासा नया झमेला आ पड़ा। शाम को पार्क में बैठा था कि कमबख्त छोकरा पीछे पड़ गया, न जाने किसकी साजिश छुपी इसके पीछे। लेकिन ये लड़का है किसका, मुझे क्या मालूम, हजार बार तो पूछ चुका हूँ, तुम ही पूछो। मुन्ने, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? ठीक से बताना अपने बाप का नाम। कमल राय डिग्रेट। कमल राय डिग्रेट, सुना? एक बार गलती से अपना नाम बता दिया था कि रट लिया कमबख्त ने। देख क्या रहे? अच्छा बेटे, ये तुम्हारे कौन है? ये पापा। पापा 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 कहकर मजमा इकट्ठा कर लिया था पार्क में। अरे हजार कहूं कि मैं जानता नहीं हूं कौन है, लेकिन सुनता कौन है, मजबूरन इसे लेकर यहां आना पड़ा। अब तुम ही बताओ इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। देखो कमल, वकील बैरिस्टरों से राज नहीं छुपाना चाहिए, और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, साफ साफ बताओ ना आखिर मामला क्या है। मतलब क्या तुम्हारा? अरे यार मुझसे क्यों उड़ते हो, बताओ ना कब क्या हरकत कर बैठे और इतने दिनों तक इसे कहाँ छुपा रखा था। नॉनसेंस, मैंने कहा कि पहली बार इसे पार्क में देखा है, अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जब तुम जानते नहीं पहचानते नहीं तो इतना दर्द है सर किस लिए, जब तुम्हें कोई सरोकार नहीं तो इसे पुलिस में दे दो। अरे वाह रे बैरिस्टर, क्या खूब अकल चलाई, जैसे ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं थी। अरे मैं इसे थाने ले जाऊं और वहां मुझे पापा पापा करके पुकारे और उन लोग बाबूजी को टेलीफोन कर दे। हाँ, और मेरी शामत आ जाए, एक तो रीटा गुप्ता के मामले में वो खफा है ही। देखो तुम्हारी हरकतों से मैं नावाकिफ तो हूँ नहीं, इसी से कहता हूं। बस बकवास मत, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, अपनी काबिलियत अपने पास रखो। चल बे चुकंदर, चल। अरे हाँ हाँ टमाटर टमाटर, चल। क्यों रे टमाटर, पिछले जन्म मैंने तेरे साथ क्या दुश्मनी की थी जो इस तरह मुझसे बदला ले रहा है? क्या? मेरा सर, अब तुझे लेकर किस भाड़ में जाऊं पता नहीं। घर चलूंगा। क्यों नहीं, जरूर चलूंगा, बस यही फजीहत तो बाकी रह गई है, सारी दुनिया भर की बला मेरे सर पर। तुझे लेकर कहां जाऊं समझ नहीं आता। सत्यन बोस तो बाबूजी से कही देंगे, तोलाराम जलान मद्रास गया हूं। आ गए तुम? वो अकेले अकेले पिकनिक के मजे उड़ा रहे हैं। पिकनिक के मजे तो यहाँ मच्छर उड़ा रहे हैं। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ, वो लोग खाना पकाने में लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से आ पाए। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकूंगी। क्यों? क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना पड़े। तुम क्या देख रही हो? सोच रही हूँ, तुम अपने बाबूजी को तो जानती हो, क्या वो राजी हो जाएंगे? मेरा ख्याल है मैं कहूंगा तो मान जाएंगे। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं एक नाच गाना सिखाने वाली मास्टरनी को अपनी बहू नहीं बना सकता। बाबूजी अब मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता,
मैंने अपने आप ही बात कह दी, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो उसे, वो न माने न सही, हम दोनों शादी करके अलग रहेंगे। ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्योंकि शादी का रिश्ता दो दिनों ही का रिश्ता नहीं, दो घरानों का रिश्ता है। तुम्हारे बाबूजी अगर मुझे बहू मानने पर तैयार नहीं, तुम्हारे घर में मुझे इतना सम्मान भी ना मिले, तो मुझे तुमसे कोई नाता मंजूर नहीं। ये सब तुम क्या कर रही हो? नहीं कमल, ये नहीं हो सकता। अच्छा है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। उषा, तुम अब मेरे घर कभी मत आना। उषा, 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 उषा। कमल, कमल, इस तरह तुम पागल हो जाओगे कमल। पागल क्यों होने लगा? नहीं नहीं उठो, उठ जाओ कमल। क्यों तंग कर रही हो मुझे? कमल, रीता, तुम सब कुछ भूल जाना चाहते हो ना? आओ मेरे साथ, आओ, आओ ना। बस इसी हालत में अब थोड़ी देर रोक के रखो, मैं फोटो ले लूं। असामी अच्छा है, तस्वीर दिखा कर अच्छे दौलत हासिल होगी। फोटो उतार? नहीं तो बिजली चमकी, पानी बरसेगा, छाता लाओ, घर जाता हूँ। क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि हमारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं, इन्हें भूल जाओ। भुलाने की तो बहुत कोशिश की मगर भुला कहाँ पाता हूँ उसे। ये क्या तुमने पी रखी है? इतना नीचे गिर गया हो तुम? शायद और भी नीचे गिर जाओ अगर तुम इस तरह। ये नामुमकिन है, तुम चले जाओ, चले जाओ। उषा, उषा, पापा किसको बुला रहे हो? यहाँ तो कोई है नहीं। ओ हाँ, तू घर जाना चाहता था ना? हाँ। चल तुझे घर ले चलता हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैं फिर से, तुम जो सोच रही हो उसलिए मैं नहीं आया, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, चारों तरफ से लाचार होकर तुम्हारे पास आया हूँ, शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? तुम चले जाओ। उषा, उषा बात सुनो, सचमुच में बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उषा चल बे, टमाटर कहो क्या रहना है? इसकी वजह से बड़ा परेशान हो गया। कौन है ये लड़का? इसे तुम लड़का कहती हो? ये तो मेरे बाप से भी बढ़कर है। इसी के बारे में तुमसे सलाह लेनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अंदर कहो क्या बात है? बात यह है कि तुझे इधर बैठ है, उस तरफ चलोगी जरा? अरे तू बैठ ले। भागना नहीं। अरे नहीं भागूंगा,
मेरा बेटा, मेरा कितना अच्छा बेटा। बैठे ना। कौन है? मैं टमाटो। टमाटो किधर से घुस आया? मैं पापा के साथ आया हूँ। पापा कहाँ है तेरा पापा? वहाँ बात करते हैं। हाथ मत लगा, ठीक से बैठ। देखू तो कौन आया। हो कहानी तो खूब गढ़ी है लेकिन कुछ जची नहीं। गढ़ी हुई नहीं है इसीलिए शायद जच नहीं पाए। यकीन करो उषा, रीता गुप्ता वाले मामले के बाद भी कहना चाहती हूं। तुम भी रीता गुप्ता का अपना सच समझती हो उषा? तुम्हें पता नहीं वो लोग कितने बदनीयत और जलील हैं। उसके बाप ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए फंसाया था। किसी ने क्या किया था मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं। तुम ये बताओ कि इस लड़के को लेकर यहाँ क्यों आए? मुसीबत में फंसकर मुझे सबसे पहले तुम्हारी ख्याल आया था। अगर तुम उसे यहाँ रख लो तो क्या? अपने बेटे को तुम मेरे सर मरना चाहते हो? मुझसे वो बाल नहीं पाला जाएगा। मैं कितनी बार तुमसे, खैर कम से कम इतना बता दो उसे कहाँ ले जाऊं। क्यों, शहर में इतने चिल्ड्रंस होम जो है वहां रखने का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? चिल्ड्रन होम? हाँ ये बात तो मेरे ख्याल में नहीं आई थी, लेकिन इतनी रात गए कोई बंदोबस्त होगा नहीं। उषा आज रात के लिए तुम इसे रख लो। तुम चाहो तो इतनी से मदद करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे बाबूजी तो दिल्ली चले गए हैं और अगली तुम्हारी बुआ, उनको कुछ बहाना बनाकर समझा बुझा देना। मुझे तुम्हारी तरह बहाने बनाने नहीं आते। उषा अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम ऐसे रखे लेती हूँ लेकिन कल सवेरे ही आकर ले जाना। 9 बजे गणेश आएगा। गणेश के आने से, हाँ घर वालों की मर्जी है मैं उसके साथ शादी कर लूं। गणेश से तुम शादी कर रही हो? हाँ। गणेश से? हाँ। उस गोबर गणेश? क्यों, गणेश बेवकूफ हो सकता है लेकिन तुम्हारी तरह उसके दिल में छल कपट नहीं। खैर देखो, अगर गणेश को मालूम हो गया कि तुम यहाँ आए थे तो बड़ा हंगामा होगा। तुम इसे कुछ फिक्र न करो, मैं 9 बजे से पहले उसे आके ले जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा है? गिराएगा क्या? सब तोड़ेगा क्या? पापा पापा क्या कर रहा है? मछली देख रहा था, मारूंगा उठा के। बच्चे ही तो है। हाँ बच्चे ही तो है। कितना अच्छा लड़का है। मैंने तुझसे कहा था गड़बड़ न कर, क्यों गड़बड़ कर रहा है? अच्छा चलता हूँ, सब बड़ी प्यास लगी जरा पानी पिला दो। बैठ बैठ। सुन वो जो पानी लाने गई ना, जानते हो कौन है? नहीं। माँ। माँ? हाँ ये मेरा घर है, मैं हूँ पापा, वो है मम्मी। अच्छा उन्हें मम्मी कहना, समझा? हाँ। जो बहुत प्यार करेंगे। अच्छा मैं तेरे लिए खिलौने ले आऊँ? हाँ। फिर अपन साथ साथ खेलेंगे। हाँ। अब जान में जाना है। अच्छा बेटा टमाटो, मैं तेरे लिए मोटर और साइकिल सब लेके आऊंगा ना, परेशान मत करना किसी को। हाँ कमल गया क्या, इसे नहीं ले गया? आज रात ही यहीं रहेगा। यहीं रहेगा? मुझे तो लगता है इसमें भी कमल के कुछ चाल है। इतने दिन बाद इस तरह आया, इस छोकरे को तेरे जिम्मे कर गया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम्हें तो हरदम दाल में काला नजर आया करता है। बस यही तो तुम्हारी कमजोरी है,
कमल को कुछ कहते ही बिगड़ उठती हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। मम्मी क्या क्या कहा? मम्मी तुझे किसने कहा मैं तेरी माँ हूँ? पापा ने तो कहा था तुम मेरी मम्मी हो। चुप रह, मैं तेरी कोई नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे मम्मी कहा तो कहूंगा, जरूर कहूंगा। मम्मी 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 वारे लड़के जबरदस्ती गले पड़ने लगा। हाँ मम्मी, ये डाइन कौन है? डाइन पाजी बदमाश, मैं डाइन हूँ। तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बनने लगी। चल रे इधर चल। कमल जी बाबू, लता के बाप अंबिका बाबू से मेरी बातचीत हुई है। कल के लिए वो तुम्हें अपने घर बुला गए हैं, कल शाम को चले जाना, भूला नहीं। अच्छा बाबू। और देखो, मैं एक तरह से करीब करीब उनको जबान दे ही चुका हूँ, तुम कहीं बिगड़ ना बैठना। जी नहीं बाबू जी, जब आपने लता को पसंद किया है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ, उनका खानदान अच्छा है, सामाजिक दर्जा भी ऊंचा है, ये सब बातें भी देखी जाती है। और लता लड़की भी अच्छी है, उषा जैसी आलतू फालतू नौकर पेशा नहीं। अच्छा देख टमाटो, मैं दिखने में अच्छी लगती? तो फिर तू मेरी बात तो मानेगा? नहीं। अजी अजीब लड़का है, चल चल के सो जा। नहीं मैं नहीं सोऊंगा, पहले पापा को बुला कर लो। पापा कल सुबह आएंगे, तू चल के सो जा चुपचाप। नहीं मैं नहीं सोऊंगा, पापा कह गए थे तो बड़ा अच्छा लड़का है ना। सुबह मैं तुम्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दूंगी, तस्वीरों वाली किताब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अम्मा के पास जाऊंगा। ओह कितना जिद्दी लड़का है, जी चाहता है मारूं इस तमाचा। मारे मार, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाएगा तो और मारूंगी। पापा मुझे मम्मी मारती है, पापा मुझे मम्मी मारती है। चुप जा, चुप हो, चुप हो, चुप हो। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। आप सो जा। नहीं पहले तुमको कि तुम मेरी मम्मी हो। अच्छा बाबा हूँ तेरी मम्मी। मैं हूँ। चल अब सो। आंखें बंद कर ले, झट से नींद आ जाएगी। नहीं मैं आंखें नहीं बंद करूंगा, मुझे सब पता है। क्या पता है? कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्यों चली क्यों जाऊंगी? जब मैं छोटा था तुम मुझे नींद में छोड़कर चली गई थी। मैं आंखें नहीं बंद करूंगा। नहीं नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू सो जा। नहीं जाऊंगी, सो जा। रात है सुहानी, फूल दिया रानी, मुन्ने की आंखों में तू चोरी चोरी आ जा। रात है सुहानी, फूल दिया चोरी चोरी आ जा। मधुर सुर
हाथ ऊपर उठाओ। अरे इस तरह नहीं, कल से नाक में दम कर रखा है। पापा आ गए, पापा आ गए। तो आप तशरीफ ले आए। तो बहुत परेशान कर रखा था इसने। ये जरूर तुम्हारा ही लड़का है, वरना इतना भी कभी नहीं होता। अगर तुम भी यही समझती हो तो यही सही। अब बैठते क्यों, इसे लेकर रवाना हो। पापा मेरे लिए मोटरसाइकिल लाए। कल दुकानें बंद थी बेटा, आज खरीद देता हूँ। चल मम्मी, मैं पापा के साथ जाता हूँ। तुमने इसे मम्मी मम्मी कहना क्यों सिखाया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम जो सोच रहे हो वही कहेगा। चल। लिए तो जा रहे हो, लेकिन रखोगे कहाँ? कोई ना कोई रहम दिल मिल ही जाएगा। भला टल गई ना? हाँ टल गई, तुम खुश हो गई ना? भला इसमें मेरी खुशी और ना खुशी की क्या बात है? कल से खुद ही तो परेशान हो उठी थी, इसीलिए मैंने कहा। मेरी परेशानी से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा लड़की का तो मिजाज ही नहीं मिलता। ओहो गणेश, बिल्कुल सुटेट बुटेट, तुम तो पहचाने ही नहीं जाते। कमल से अच्छा दिखता है ना? बहुत। अरे तुम्हारी किस्मत तो बड़ी जोरदार है गणेश। कल उषा कहती थी, मैंने आड़ से सब कुछ सुना। क्या कहती थी? कहती थी तुम्ही से ही शादी करेगी। सच बुआ जी, सच्ची? हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं उषा को खबर देती हूँ। ऐसा ही क्यों, अच्छा नहीं लगता? मैंने सब सुना है। क्या सुना है? ओही क्या मैंने कहा? क्या कहा? ओह बुआ जी ने मुझे सब बता दिया। ओह बुआ जी ने बता दिया, ठीक है। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज मुझे? हाय भगवान, मैं कैसे बताऊं? ये देखो, सुनती हूँ क्या? प्रेम की आवाज धक्कारधक। नहीं हा? ओ ये तो रंग साइड है, इधर देखो, एक ग्लास पानी। हमारे यहाँ सब मिलाकर 100 रुपया महीना चार्जेस पड़ते हैं। हाँ जी मुझे मंजूर है, ये लीजिए। पापा बेटा, चलो ना। अभी चलता हूँ बेटा, ये 300 रुपये पेश की जमा कर लीजिए। ये आपका लड़का है? जी नहीं, ये तो जी हाँ लड़का तो मेरा ही है। बात यह है कि मेरी बीवी अब रही नहीं और मुझे ज्यादातर बाहर रहना पड़ता है, इसीलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी, माफ कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम कमल राय दी ग्रेट। दी ग्रेट, मेरा नाम कमल राय। लड़के का नाम? लड़के का नाम वो हाँ टमाटो। टमाटो? टमाटो यानी असल नाम कुछ याद नहीं रहा, इसे टमाटो करके पुकारते हैं। क्या बेटा तेरा नाम क्या? टमाटो। टमाटो पता? जी लापता, यही तो बात। लापता? जी आपने मेरा पता पूछा, मैंने सोचा इस लड़के का। जी? ओ, ओ, बात ये मैं जरा आप ऐसा कीजिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी एक बहुत नजदीक की रिश्तेदार है उषा, मिस उषा सेन, उनका पता लिख लीजिए। मिस उषा सेन 3 नंबर रीना स्ट्रीट। कुछ खबर करना तो वही खबर कीजिएगा। दस्तखत कीजिए।
पहन लीजिए। देखिए आखिर बाप होना बेटा, इसे छोड़ के जाते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हुई, आप इसे यहाँ से हटाने का बंदोबस्त कीजिए। आप फिक्र न कीजिए। शुक्रिया मेरा बेटा। आया जी माँ जी, इस बच्चे को अंदर ले जाओ, कुछ कम्फर्ट बिस्कुट दे दो। जा बेटा कम्फर्ट बिस्कुट खा के आ जा। हाँ बेटा जल्दी आना। अच्छा मैं तब तक यहाँ बैठा हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते। तुम उससे बोलती नहीं लता, नाराज हो? दो दिन से फोन कर करके हार गई, मगर तुम हो के तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता, आने तक की फुर्सत नहीं तुम्हें। तुम समझी नहीं लता, जब से तुमसे शादी करने का फैसला किया है ना, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि बस इतना बड़ा बोझ उठाने जा रहा हूँ। हाँ? शादी भी तो एक बोझ यानी जिम्मेदारी है ना, इसीलिए पिछले दिन इसी चक्कर में था कि कोई बिजनेस करूं। कर चुके तुम बिजनेस। जानते हो श्यामा चंद्रा इंद्रा सब कहती थी कि मेरे बाबूजी बहुत सा रुपया दे रहे हैं, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। अच्छा। और वो लोग मेरी हंसी उड़ाती थी, कहती थी कि कमल तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। सब जलती है लता, सब जलती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुम दुबली पतली सुकृतियों से प्यार करूंगा। मैं तुम्हें आज अपने मन की बात बताऊं। बचपन में अपनी ताई जी को देखा था, वो भी तुम्हारी जैसी थोड़ी बहुत तंदुरुस्त थी, क्या जलवा था। अच्छा? इसीलिए तब से सोचा है कि शादी करूं तो बस वैसी लड़की, अपनी कहूं तो ये तस्वीर सामने आ। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बीवी एक सुरमे की सलाई हो, बस दो उंगलियों में मसक दो। खैर छोड़ो भी, बातचीत में कोई मजा नहीं। क्या मतलब, क्या तुम्हें मुझसे बातचीत करना पसंद नहीं? अरे ये बात नहीं, तुम्हारा गाना मुझे और भी पसंद है। एक गाना गा दो बस। हेलो कौन? हाँ है। अच्छा बुलाती हूँ। कमल तुमने फिर उषा से मेलजोल बना लिया है? उषा? हाँ तुम्हें बुलाती है, बड़ी गुस्से में है, शायद उसने हमारी शादी की बातचीत जरूर सुन ली। हाँ, जरूर सुन ली होगी। नहीं नहीं मैं तुम्हें उससे बात ही नहीं करने दूंगी। तुम गलत समझे लता, बात यह है उसकी भी तो शादी हो रही है गणेश के साथ, उसी के सिलसिले में शायद मैं जरा। हेलो उषा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे यहाँ फोन किया था, मालूम हुआ तुम लता क्या हो, मुझे मुसीबत में डाल के खुद मौज उड़ाते फिर रहे हो ना। चिल्ड्रंस होम में मेरा पता देने के लिए किसने कहा था? वहाँ तुम्हारे सपूत ने सारा दिन बहुत धम मचाया है कि वो लोग तंग आकर फिर उसे मेरे यहाँ छोड़ गए। ओ तो क्या बात है? वो अच्छा ही तो है, इसमें घबराने की क्या बात है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, शादी की मार्केटिंग में अच्छी तरह से करवा दूंगा। शादी? कैसी शादी? ओ समझी, वो मुटल्ली पास ही खड़ी होगी क्या? ठीक कह रही है तुम, बिल्कुल ठीक कह रही। क्या कुछ मेरे बारे में कह रही है? हाँ अपनी शादी के बारे में। अच्छा मैं कल सुबह जरूर आ जाऊंगा। कल नहीं अभी आकर ले जाओ, शैतान ने सारा घर सर पे उठा रखा, इसी की वजह से मैं रिहर्सल में भी नहीं जा सकी। कोई बात नहीं कल चली जाना, आज तो बिल्कुल नामुमकिन है, कल सुबह मैं गाड़ी लेके जरूर चलाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। गुड नाइट। क्या बात है? कोई खास बात नहीं, वही जो मैं कह रहा था, शादी करें वो और गहने कपड़े मैं पसंद करूँगा। नहीं तुम उषा के वहां नहीं जा सकते। पर कितनी मिन्नत कर रही थी बेचारी, बस एक बार मुझे चले जाने दो। अच्छा तो कल एक बार चले जाना, मगर मैं कह देती हूँ कि फिर तुम कभी नहीं जा सकोगे। हाँ उषा की हालत कोई मुझसे छिपी थोड़ा ही है, कहीं उसकी बातों में आकर फिजूल बहुत सा रुपया ना गमा देना। नहीं जी मैं एक पैसा खर्च करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि रकम भी गमा दूँ और तुम्हें भी नाराज कर दूँ। कमल क्या
हटो। आजा टमाटो, तेरी कमीज बदला दूं, पसीने में तर हो रही है, आजा। पहले तुम मुझे पकड़ो। अब मुझसे और नहीं दौड़ा जाता, मैं हार मानती हूँ, आजा। दीदी ले आया मधु? जी। देख बुआ जी से मत कहना कि मैंने टमाटो के लिए नए कपड़े मंगवाए। अच्छा देख टमाटो कैसा अच्छा सूट मंगाया है मैंने। ये मेरे लिए ना। हाँ तो तेरे लिए। चुप पगला, रात को भी कोई नए कपड़े पहनता है? सुबह पहना दूंगी। ये कमीज उतार दे। ओहो कितनी गंदी हो गई है, बाप से एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं देते बना। चल अब खाना खा ले। मुझे भूख नहीं लगी है। भूख नहीं लगी तो फिर बुआ जी के पास सुला दूंगी। बुआ? नहीं मम्मी मुझे भूख लगी है। ओ, 9 बज गए अभी तक कमल का पता नहीं। बैठ। देख टमाटो अगर तेरे पापा के आने से पहले कोई आ जाए और तुझसे पूछे कि तू कहाँ रहता है तो बोलना मैं पड़ोस में रहता हूँ। मैं नहीं कहूंगा, मैं पापा के पास जाऊंगा। पापा 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 रट लगा रखी है और एक पापा है कि तुझसे पीछा छुड़ाने की फिराक में। बैठ सीधी तरह से यहीं। मैं नहीं बैठूंगा। देख टमाटो तू यहीं बैठकर खेल, मैं भी आती हूँ। तुम कब आए? अभी। तुम उधर से, मैं इधर से। आवाज कहाँ से आई? मुझे क्या मालूम, मैं भी तो वही हूँ जहाँ तुम हो। इतना शोर कौन कर रहा है? आवाज तो तुम्हारे कमरे से आ रही है, तुम कहती हो कुछ जानती नहीं। कह तो दिया कि मुझे नहीं मालूम, परसों तो खुद जाकर देख लो। जरूर देखूंगा। मैं पापा के साथ जाऊंगा। अभी नहीं, फिर जाना, ध्यान रखना। नहीं मम्मी मैं पापा के पास जाऊंगा। मम्मी ये लड़का कौन है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें माँ कहता है, तुम कहती हो आई, कौन है तू, किसका लड़का है? मैं नहीं बताऊंगा मम्मी, ये गंदा आदमी कौन है? क्या कहा? मारूंगा खींच के एक थप्पड़। मारना नहीं तो मैं पापा से कह दूंगा। बुला अपने पापा को, देखो जरा कैसा बहादुर है तेरा पापा। जानते हो मेरा पापा कौन है? कमल रॉय द ग्रेट। तो आप द ग्रेट की औलाद है? कमल कमल बाप, तुम माँ, इतना बड़ा लड़का। चुप रहो, आगे क्लास मत कहना। क्या? क्यों नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? कमल इज अ बैड मैन, ही इज अ डार्टी मैन, ही इज अ स्काउंडरल। कभी मिल जाए तो मुर्गे की तरह। क्यों साहब, ये किसके बारे में इजहार ख्याल फरमाया जा रहा था? शादी, ओ मुर्गा लड़का। ये क्या बकबक कर रहे हो? तुम अपने लड़के को ले जाओ। मेरा कौन सा लड़का? आपका लड़का नहीं तो फिर आपको पापा क्यों कहता है? उसने कहा और आपने मान लिया? कुछ सोचना समझना भी तो चाहिए। जैसे उस दिन उषा कह रही थी, उषा तुम उस दिन क्या कह रही थी कि तुम्हारी शादी जिसके साथ हो रही है वो एक गधा है, मैं मान लूं? उषा ने ऐसा कहा? कहा? क्यों सर? मैंने कुछ नहीं कहा। सुन लिया। खैर उषा ने नहीं कहा होगा लेकिन मैं कहता हूं नो, आप एक गधे हैं। क्या? क्या? मैं गधा? तो आप क्या? क्या क्या क्या? अब तो आप नहीं बोलूंगा, मैं आप कभी नहीं आऊंगा। गेट आउट। अब आप बैठ क्यों रहे हैं? अपने लड़के को लेकर तशरीफ ले जाइए, मैं उसे भेजे देती हूँ। Thank you.
टमाटर, सारा दिन तो घूम घाम कर कट गया, आप कहाँ चला जाए? मम्मी के पास चलो पापा। मम्मी के पास? अरे मम्मी तो तुझसे पीछा छुड़ाने को बेचैन है, तू बने देगा? मैं मम्मी के पास जाऊंगा पापा। चल मम्मी के पास ही चल। पहचाना कौन है? देख, बोल। मम्मी। मम्मी। आपने तो कहा था कमल मैं दिल्ली चले गए, वो कमल ही तो है। कमल? नहीं नहीं नहीं, वो कोई और होगा, वो तो सचमुच दिल्ली गया और मैं खुद उसको हवाई जहाज से बैठा के आ। नहीं नहीं, वो कमल ही है। नहीं नहीं नहीं, मिस मानसी, मानसी देवी, मिस मिस। चल बेटा यहाँ से चले। बेटा तो मुझे नाचना पड़ेगा, चल यहाँ से। लगा क्या? नहीं कोई बात नहीं। अरे कहाँ गया? क्या मालूम? अच्छा तुम दोनों इधर जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। दिल मेरा बेकरार।
तुम आ गए, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। और तुम कैसे जानती थी मैं यहाँ आऊंगा? मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैं अपने मर्जी से नहीं आया, तुम उन लोगों को वहां से धकेल दिया मुझे। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कहता हूँ उषा, टमाटो करा कर मम्मी के पास चलूंगा तुम्हारे यहाँ चला आया। कमल? हाँ मैं। ओ, कैसे चलाया? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ मुझे क्या करना, मैं कर देता हूँ। मुझे क्या मालूम राधे बाबू? राजा बाबू बात भूल गए क्या? ये कौन है ये? बोलो। मैं कैसे नहीं आता शहजादी? मैं कैसे नहीं आता शहजादी? मोहब्बत का फर्ज अदा करना हर इंसान का काम है। मोहब्बत का फर्ज अदा करना हर इंसान का काम है, चाहे वो शहजादा हो या किसी भिखारी। मेरा हाथ पकड़ लो। अरे ये कहना नहीं, एक्शन एक्शन। शहजादी का हाथ पकड़ लो। ये कहना नहीं है, एक्शन एक्शन। बोलो। मोहब्बत का अदा करना हर इंसान का मर्ज है। मोहब्बत का अदा करना हर इंसान का मर्ज है। गलत बोल रहे हो। गलत गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत आप बोल रहे हो। अरे तुम्हारी मर्जी, मैं बोलो, लेकिन इस वक्त हमारी इज्जत तो बचाओ। क्या कहूँ शाह, क्या कहूँ बप्पू? शहजादी, मैं अपनी मोहब्बत का फर्ज पूरा करने आया, क्योंकि मोहब्बत करना इंसान का फर्ज है। हर इंसान को चाहिए कि हर इंसान से मोहब्बत करे, क्योंकि क्योंकि शहजादी शहजादी, अब तुम कुछ कहो मैं उसका जवाब दूंगा। तुम यहां से निकल जाओ शहजादी, यहां तुम्हारी जान का खतरा है। कैसे निकल जाओ शहजादी? फिर वापस आ जाना पड़ेगा, तुम्हारी मोहब्बत मुझे घसीट के नीचे ले आएगी। लेकिन उषा, मैं शहजादी उषा, छोड़ जाना है, ले जाना है, ले जाना है। शहजादी उषा, मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, चाहे मेरे बदन में एक कतरा भी खून न रहे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और ले जाके भी रहूंगा। आओ चले। मम्मी, टमाटो। तो बिल्कुल जोक की तरह पीछे पड़ गया, साथी ने छोड़ता, इतने आज में मैं पापा पापा कह दिया। कम्बा, गुस्सा नहीं होना, नहीं तो मैं रोऊंगा। अरे नहीं नादिर शाह, गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? पर तुझे छोड़कर जा ही कहाँ सका, तू मुझे छोड़े तब ना। बोल अब किधर चले? घर में। चल होटल चल कर कुछ खा लें, मुंह सूखा जा रहा तेरा भूख के मारे। हैं भूखने लगी? नहीं। डर रहा कि मैं भाग जाऊंगा? अच्छा नहीं बाबू, मुझे नींद लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अब तो छोड़, अब भाग के जाऊंगा कहां, नदी में। बाप रे बाप, तेरे साथ घूमते घूमते तो सर में दर्द शुरू हो गया। तो घर चलो ना पापा। अरे घर जाने से सर का दर्द और बढ़ जाएगा। क्या करता तू? करते वाला हूँ, दर्द उठता है ना? अच्छा बाबा यही कर रहा हूँ, दबाना तो ठीक से दबा। ठीक से तो दबा रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं, ऐसा बैठ, मैं दिखाता हूँ। तेरे समझा? बहुत अच्छा लग रहा है, करो ना और करो। अच्छा ये काम भी करवा ले अब तू। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो।
ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया, तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया। हैया रे हैया हैया हो, ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया, तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो। एक लहर आए एक जाए कभी रुके ना पानी, हो गैया हो गैया हो गैया हो गैया। एक लहर आए एक जाए कभी रुके ना पानी, रुकना मौत का नाम जगत में चलना जिंदगानी। हैया हो रे हो, हैया हो रे हो। एक लहर आए एक जाए कभी रुके ना पानी, रुकना मौत का नाम जगत में चलना जिंदगानी। जब तक सांस है तेरे तन में चलता जा रे भैया। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो। ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया, तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया। हैया रे भैया भैया हो, हैया रे भैया भैया हो। ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया, तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया। हैया रे भैया भैया हो, हैया रे भैया भैया हो। आधी रात को जगाया है, मैं कहूँ क्या हो गया, घर में चोर घुस आया क्या? वारी लड़की जा, जा सो जा, सो जा। Thank you.
एकाम निर्वाण रूपम विभूव्यापकम ब्रह्म वेदत स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल। गोपाल तिल की शीशी ले आओ भाई, देखो कितने ने पाए। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम। ये अकेले में बच्चा किसका रो रहा है बाबा? ओहो, क्या है बाबा, क्या है, क्या है? आओ आओ, रो नहीं, आओ आओ बैठो। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कहाँ रहते हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या? अपने घर का पता जानते हो? क्या मुसीबत है, किसका बच्चा यहाँ अकेला कैसे आ पहुंचा? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, मनी बैग? कितने रुपए? कमलराय, ओह मिल गया, मिल गया। कमलराय 72 लैंड डाउन रोड। मगर ये यहाँ कैसे आ गया? खैर, इसका पता बाद में चलेगा, अभी तो तुम्हें घर पहुंचा दे। तुम्हारे बिना वहाँ कितनी घबराहट होगी। गोपाल इसे ले जाकर मोटर में बिठा दो भैया, जल्दी कर, जल्दी कर, मेरा तो नहाने का ब्रह्म मुहूर्त चला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सभी तर्दुरितानि परास। नहीं बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है ना? आपको इस घर का पता कैसे लगा? इस मनी बैग से आपकी है ना? मगर ये वहाँ कैसे पहुँच गया? मैं रोज गंगा स्नान के लिए जाता हूँ, सब आप जो है सब कुछ जानते हो। ये बच्चा अकेला रो रहा है। मैं समझ गया, बड़े शरीफ आदमी मालूम होते हो। एक तो मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ तक ले आया, एहसान का बदला ये कि आप मेरी बात तक नहीं सुनते। अरे आपका बहुत एहसान मंदू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप चाहिए, अजीब आदमी हो। अरे मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसमें पड़ेंगे तो थाने कचहरी जाना पड़ेगा आपको। थाना कचहरी? थाना? गोपाल जल्दी कर भैया, मेरे नहाने का ब्रह्म मुहूर्त बीता जा रहा है। ओम विश्वानि देव सभी तर्दुरितानि। तो फिर से आ गया मेरा बेटा है? पापा आप मुझे जोड़ नहीं? नहीं बेटा, अब जो कुछ भी देखा जाएगा, चल तू मेरे साथ ही रह। चाय क्यों वापस ले आया? छोटे बाबू कहाँ? जी वो अभी तक सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ माँ जी, उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी सो रहा है। छोटा सा लड़का? हाँ माँ जी। हाँ, इसी का तो इंतजार था। अंबिका बाबू का फोन आया था शादी की बातचीत तय करने के लिए, वो अभी इधर आ रहे हैं। कमल कहाँ है? बड़े साहब शायद अभी तक सोकर नहीं उठे होंगे। नहीं, मैं ऊपर से आ रही थी तो देखा एक छोटा सा बच्चा उसके साथ सो रहा है। बच्चा? किसका बच्चा? कल अंबिका बाबू के यहाँ गया था ना, शायद वहीं से लीवा लाया होगा। पहले तो छोटे बच्चों से दूर ही भागता था, लेकिन देखो जब से शादी का इरादा हुआ
रंग बदल गए। चलो अच्छा ही है, अभी से बच्चे संभालना सीख गया तो आइंदा काम आएगा। तो चुपचाप यहीं बैठ के खेलना, कहीं दो मत जाना समझा, कहीं नहीं है। मैं भी मुँह धो जाता हूँ। यही वो लड़का है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लड़का है, देखना समझाने का लड़का है, खातिर तवज्जो में कुछ कमी न होने पा। ये सब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इधर आओ बेटे, आओ आओ मेरे लाल, आओ आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? टमाटो। टमाटो, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। लता तुम्हारी कौन लगती है? लता? मालूम नहीं। मालूम नहीं। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? कमल राय डिग्र। कमल राय? कौन कमल राय? जिसके पास तुम सो रहे थे वो तो मेरा पापा है। पापा? देख ली अपने लड़के की करतूत, नालायक बेशर्म कहीं का, न जाने कब कहां किसके साथ शादी कर बैठा है। मुझे पहले ही मालूम था कि एक दिन तुम्हारा लड़का इस खानदान के नाम पर बट्टा जरूर लगाएगा। कहां गया वो कमबख्त? रामू, अरिया रामू, इतना गला क्यों फाड़ते हो? पहले कमल को बुला के पूछो तो सही कि मामला क्या है, तुम तो पहले से ही चिल्लाने लग गए। नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, बैठा बैठा तुम्हारा मुंह ताकता रहूंगा और तुम्हारा बेटा मेरी नाक कटाता फिरेगा। हाँ। नमस्ते शिवनाथ बाबू। नमस्ते, आइए। क्या बात है, किसके ऊपर गर्म हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, गर्मा गर्मी की क्या बात है, हम दोनों आपस में गपशप कर रहे थे। तो उधर जाकर खिलाने दीजिए ना, रहने दीजिए ना, बहुत सुंदर बच्चा है। किसका बच्चा है? पड़ोसियों का बच्चा। हाँ, पड़ोसियों का। खेलते खेलते यहाँ चला। हाँ, जाओ जाओ मेरा पास। तुम्हारा नाम क्या है? टमाटो। टमाटो, बाप 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 बाप। बाप का नाम क्या है? कद्दू। कमल राय? कौन कमल राय? शिवनाथ बाबू, मैं आपको शरीफ आदमी समझा था, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लड़के की दूसरी शादी कर रहा है, ये बात तो आपने कभी नहीं बताया। देखिए बस बस, खूब वाह है, मैं चलता हूँ, नमस्ते। सुनिए तो, सुनिए तो अंबिका बाबू, चला कमल। क्यों, कलेजा ठंडा हुआ ना? बाप की बेइज्जती कराने का अरमान पूरा हो गया? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। मेरी बात तो सुनिए बाबूजी, ये लड़का मेरा लड़का नहीं है। अगर ये तेरा लड़का नहीं है तुझे पापा क्यों कहता है? ये तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते कहो। ये मेरे दोस्त का लड़का है। एक दोस्त का लड़का? जी हाँ, मेरे दोस्त का लड़का है। कुछ दिनों पहले सीढ़ियों पर से गिर जाने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, अपने माँ बाप तक को नहीं पहचानता, किसी भी आरे गारे को पापा पापा कहने लगता है। कल शाम को मैं उनके यहाँ गया था तो पापा पापा कहके मेरे साथ ही चला आया। सुनी, अपने लड़के की सफाई सुनी? ठीक है, अगर तेरी बात सच है तो अपने उस दोस्त को बुलाकर सबूत दे। जरूर सबूत दूंगा, कल आते वक्त वो लोग खुद ही कह रहे थे कि एक दिन आएंगे। एक दिन क्यों, आज ही बुला ला। आज? हाँ आज, अभी। अच्छा अभी सही। कंटिन्यूटी यही है। हाँ बस, चलो स्टार्ट।
अभी कोई को हाथ लगाते थे। शॉट फोर टेक वन। भोलू भोलू बस 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 अब घर चले, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? मैं तो चल ही नहीं सकती, मेरे पाँव में तो मोच आई है। तो फिर यहाँ ठहरना भी तो खतरनाक है, कितना अंधेरा हो रहा है, यहाँ रात को शेर आते हैं। ओ, लेकिन मैं क्या करूँ भोलू, मुझसे तो चला ही नहीं जाता। तो फिर मैं तुम्हें उठा लूँ? हाँ भोलू। मदन तो ये बेवकूफ कौन है? ए, 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 मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। मुसीबत में पड़ गया मदन, बहुत जरूरी काम है। तो ये कौन चला है बीच में गड़बड़ करने? क्या बात है, बड़े घबराए हुए हो? जबरदस्त मुसीबत में पड़ गया, तुम्हें बच्चे का बाल का पाठ करना है। अरे पार्टी करना है, पार्ट करना, अपना धुंधा चलो। माँ की भी जरूरत है, मेरी माँ तो मर चुकी कब की? तुम्हारी माँ नहीं, यानी बच्चे की माँ, यानी तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? हाँ। अब तुम्हें तो मालूम है मेरी शादी कहाँ हुई। मुझे शादी की जरूरत नहीं है, किसी को पार्टी करना है ना, तो कहाँ से लाऊं? मगर अच्छा कह के देखता हूँ, चलो तुम भी, तुम ही जाओ, चलो चलो ना। ऐसे कौन आया है पहले? एक्सक्यूज मी, मीट माय फ्रेंड मिस्टर कमल रॉय, मिस सरिता। ये बहुत परेशान है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ? तो नहीं कह रहा, बात ये है कि तुम्हें मेरी बीवी बनना है। ओह शिट, बात तो सुन, तुम्हें थोड़ी देर के लिए माँ का रोल करना। माँ? मैं? नो 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 नो, इसके बाद मुझे कोई हीरोइन ही नहीं बनाया, गाय कांड हुए फिल्म के अंदर नहीं है, स्टेज पे तो और भी नहीं, मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। स्टेज और फिल्म के बाद नहीं, मेरे घर में चलना जरा, सिर्फ आधे घंटे के लिए। घर में? आधे घंटे का काम है अभी, बस मैं तुम्हें समझा देता हूं। आप इधर आइए, मैं समझा देता हूं। आइए अभी, अभी चिल्ड्रन होम से मेरे नाम का खत कैसे आया? 300 रुपए का चेक? कमल राय, ओ आपके लड़के को चूंकि हम नहीं रख सके, इसलिए आपका जमा किया हुआ 300 रुपया वापस कर रहे हैं। देखा बुआ जी, कमल कितना मतलबी, लड़के का क्या किया, कहाँ रखा, मुझे आकर बताया तक नहीं, कम से कम इतनी खबर तो देनी चाहिए थी। मधु जी, ले ये खत जाकर कमल के हाथ दिया। कहाँ है मेरा बेटा? धर्मपत्नी लेफ्ट, ग्लिसिन डायो ने सर। हाँ। और देखो, जो कुछ भी बात करनी है सोच समझ कर, होशियारी से। मुझे होशियारी मत सिखाओ, तुम अपनी फिक्र करो, मुझे जो कुछ कहना होगा मैं कह लूंगी। माँ की एक्टिंग करनी कोई मजाक नहीं है। और बाप का एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं है, सारी बातें तुम मत करना, वरना वो समझेंगे कि मैं कोई बाड़े का। कहाँ है मेरा बेटा? अंदर अभी आता। बाबूजी, ये है मेरे दोस्त टमाटर के बाप, और ये टमाटर की माँ। नमस्ते। 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 बैठो। माफ कीजिए, हमारे टमाटर ने आपको यहाँ आकर बहुत परेशान किया होगा। नहीं, परेशानी की क्या बात है, बच्चाई है। जी हाँ, बच्चाई तो है। हाँ, बच्चाई तो है। ऐसा कितने दिनों से हुआ है? जी ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं है जी, करीब 2-2.5 महीने हुए। जी हाँ, 2-2.5 महीने, 3-1 दिन हुए होंगे। और सीढ़ियों से गिर पड़ा था। हाँ। दिमाग को कुछ अंदरूनी चोट पहुंच गई। जी हाँ, इस जगह। और तब से हम लोगों की ये हालत हो गई है, देखिए। देखिए ना, हमारी भी क्या बदकिस्मती है, एक ही तो लड़का है, वो भी जब अपने माँ बाप को नहीं पहचाने, तो सोचिए हम लोगों पर क्या गुजरती होगी। देखिए, जरा अंदर से बुला दीजिए ना, देखिए पहचान पाता है या नहीं। प्लीज, अभी ले आता हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर? जी सभी डॉक्टरों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, कंपाउंडरों को, सब जी सभी को दिखाया, मगर अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या करें माँ जी? अभी तो बच्चा ही है, ठीक से इलाज कराओगे तो जरूर अच्छा हो जाएगा। ये रहा टमाटर। टमाटर, मेरा बेटा। आओ बेटा मेरे पास आओ, आओ बेटा, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी माँ को भी नहीं पहचानता। मेरे पास आओ बेटा, अपने पापा के पास। क्या तुम मेरे पापा नहीं हो? ये मेरे पापा है। ओ, ना आपने, मुझसे ज्यादा अभागा और कौन होगा? हाय भगवान, मत रो टमाटर की माँ, मेरी तरफ देखो, मैं कह रहा था। क्या है सरकार? ये
आई, एक आदमी दे गया। खुली हुई चिट्ठी। इस तरह धीरज न छोड़ो, भगवान चाहेगा तो तुम्हारा बच्चा जरूर अच्छा हो जाएगा। नहीं, कमल के नाम 300 रुपए का चेक। किसने भेजा बाबू जी? चिल्ड्रंस होम। चिल्ड्रंस होम। अभी नहीं जाना चाहता तो यहीं रहना। बाबू जी देखो। हेलो, मुझे पढ़ लेने दो। चुप रहो, तुम दोनों इस बच्चे के माँ बाप हो, बदतमीज कहीं के झूठे, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चोर के साथ ही गिराकर तुमने जिस बच्चे को चिल्ड्रंस होम में रखा था उसका नाम है टोमेटो राय और उसके बाप का नाम कमल राय। अब बोलो क्या चाल चलोगे, सोचा है कुछ? ये लड़का मेरा कोई नहीं है, पार्क में उसने मेरे पीछे लग गया था, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। चुप रह, झूठा कहीं का। सुनो अभी ये क्या कहता है, तुम तो इसे बोलने ही नहीं देते। बोले क्या तू, सरासर झूठ बोल रहा है। बाबू जी एक बार मुसीबत में पड़ गया था इसलिए झूठ पर झूठ बोलता चला गया, वरना सचमुच ये मेरा लड़का नहीं है। देखे ना मुझे कमल राय दी ग्रेट कहता, कोई अपने बाप को दी ग्रेट कहता, किसी ने से सिखा दिया होगा। बाबू जी इसका दिमाग खराब है। रखो मत, तुम्हारी किसी बात का मैं इतबार नहीं करता, मैं आज ही पेपरों में इश्तहार दूंगा, जिसका बच्चा होगा ले जाएगा। ठीक है ऐसे कीजिए, कोई ले जाए तो भला टहले, लेकिन 7 दिन के अंदर अगर कोई लेने के लिए ना आया तो मैं समझूंगा ये तुम्हारा ही लड़का है और तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह से ठिकाने लगा दूंगा। ये लो। चलो टमाटर तुम्हें खाना खिला। हेलो, इतनी लाड़ प्यार की जरूरत नहीं, चल तू मेरे साथ चल। दिमाग खराब है। इतने सुंदर होशियार बच्चे को कहता कि दिमाग खराब है, दिमाग उसका खराब है। अच्छा बेटा टोमेटो ये तो बताओ कमल तुम्हारा कौन लगता है? पापा। तुम ठीक जानते हो? बाबूजी तुम पापा के ऊपर गुस्सा क्यों होते हो? बाबूजी गुस्सा क्यों होते? जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो? तेरे पापा का बाप हूँ, मुझे दादा कहा कर, समझा? चल मैं तुम्हें दादा नहीं कहूँगा। क्यों? तुम तो बुड्ढे हो, मैं तुम्हें बुड्ढा कहूँगा। खबरदार, खबरदार। तो फिर मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा। तू मुझे पापा समझ तो मैं तुम्हें काट खाऊंगा। मुझे काट खाओ और मैं भी तुम्हें काट खाऊंगा। अरे शैतान। लेक के किनारे एक टमाटो नाम का एक 4 साल का लड़का पाया गया है जिनका हो इस पते पर आकर मिले। शिवनाथ रॉय, 72 लेंस टाउन रोड। तो कमल टमाटो को घर ले गया है, लेकिन जिसका हो इस पते पर आकर ले जाए तो बच्चा है किसका? तो क्यों आए? तुम्हारे घर में पिस्तौल है? क्यों? मेरे घर में नहीं है। पिस्तौल लेकर क्या करोगे? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? बिल्कुल तो नहीं हूँ, मगर 2-4 दिन नहीं हल रहा तो जरूर हो जाऊंगा। मुझे आजकल नींद नहीं आती। तो मैं क्या करूं, डॉक्टर के यहाँ जाऊं? डॉक्टर तो कहते हैं शादी कर लो। तो कर लो, इसीलिए तो आया हूँ मैं तुमसे शादी। उस बच्चे के वजह से मुझे कोई एतराज नहीं, सब मैनेज कर लूंगा। चले जाओ यहाँ से। इधर निकल जाओ, जाओ। टमाटो,
क्या कर रहा है? ओ, खेल रहा है। अच्छा, पापा कहाँ है तेरे? पापा, पापा घर में नहीं है। तुम यहाँ आते क्यों नहीं मम्मी? तू क्यों नहीं चलाता? देख, पापा से कहना कि मुझे मम्मी के पास ले चलो, समझा? अच्छा, मैं कहूँगा। पहले तुम आ जाओगी? अरे, क्या कर रहा? किससे बात कर रहा? मम्मी से। मम्मी से? हेलो। ओह, ये हमेशा बीच में आता पकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। देखा, फिजूल अखबारों में इश्तहार दिया है। मैं पहले कहता था कि ये कमल का लड़का है। अभी अभी टोमेटो को फोन किया। किसने? कमल की बहू ने। और किसने? कमल की बहू। हाँ हाँ, मैंने टेलीफोन लेकर उससे पूछा कि कौन हो, तो जानती हो क्या जवाब दिया? क्या? कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? इस लड़के के बारे में। सचमुच में ये कमल का लड़का है या नहीं? मुझसे क्या पूछते हो? तुम्हें नहीं दिखता? इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। तुम्हारी अकल मारी गई है। इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। कभी मेरा कहना भी तो माना करो। कैसे मान लूं? क्या मेरी आंखें नहीं है? साफ दिखता है कि इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है। हाँ, नाक और ठुड्डी मुझसे भी। तुम तो हमेशा उल्टी ही बातें करते हो। मैंने खूब गौर किया है, आंखें तुम्हारी जैसी, नाक और ठुड्डी मेरी। और मैंने जैसा गौर ही नहीं किया। नाक और ठुड्डी। आप तुमसे कौन बहस करे? चलो टमाटर, चल के खा लो। मुझे भूखने लगी है। भूख कैसे नहीं? चलो खा लो। अरे, कह तो रहा है भूख नहीं है, जबरदस्ती खिलाओगी क्या? बिना भूख खिलाकर हाँ वफा तबीयत खराब कर दोगी। इतनी बार कहा कि ममता मत बढ़ा, कमल का लड़का नहीं भी तो हो सकता है। पता नहीं कब कोई आए ले जाए और फिर बैठी बैठी रोती रहो। तुम्हें तो हर बात में ममता ही दिखती है, मुझे माया नहीं है। छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर से भूख लगती है, जानते हो? हाँ, खूब जानता हूँ। जैसे मैं कभी बच्चा था ही नहीं। क्यों टोमेटो, तो मेरे साथ खाएगा ना? अभी नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? अच्छी बात है, अब मेरे पास आना, फिर बताऊंगी। दादी आ मेरे पास। अच्छा टमाटो, ये तो बता, तुम्हारी मम्मी रहती कहाँ है? वो जो बड़ा रास्ता है ना, वहाँ रहती है। कैसी है तुम्हारी मम्मी? बहुत सुंदर है, गाना गाती है, नाचती है। नाच के बताऊं? चलो। ताकि तथुं की तथुं, ताकि तथुं की तथुं, तुं तुं, थै थै थै, नागे नादे, नागे नादे, नागे नादे, राम दत्ते दा, राम दत्ते दा, राम दत्तम देता, दे देता, देता कुत्ता, कुत्ता दा, कुत्ता दा, राम राम राम, दादा दान दा देता। देखा बुआ जी, आज फिर इश्तेहार निकला। बराबर 6 रोज से इश्तेहार निकल रहा, यानी अभी तक कोई बच्चे की खबर लेने नहीं आया। और आएगा भी कहां से? कोई होता तभी तो आता। माँ नहीं है ये तो उसके पहले दिन की बातों से पता चल गया था। तुम्हारा क्या ख्याल? कैसे कहूँ, मुझे क्या पता? ओह, पता कैसे होगा? मैं पूछती हूँ ख्याल क्या है तुम्हारा? बाबा, मेरा कोई ख्याल वाल नहीं है। कहीं कुछ का कुछ निकल गया मुझसे तो खामोखा बिगाड़ पड़ोगी। अच्छा, तो मैं बिगड़ती रहती हूँ तुम पर। खैर, कमल की बात तो छोड़ो, लेकिन उसके माँ बाप को क्या हुआ है? दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि लड़का कमल का, फिर भी उसे निकालने पर तुले हुए हैं। वो लोग तो कमल का ब्याह उस मुटक्की से करके खूब दहेज रखना चाहते हैं ना, सारा खानदान एक जैसा। ओ बुआ जी, कुछ हाँ हो तो करो, मैं नाराज नहीं होंगी। अच्छा हाँ, तो फिर? कसूर तो कमल का है, बच्चे का क्या दोष? देख लेना, दो एक दिन में उसे अनाथ कहकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ जाएंगे। जी चाहता है किसी रोज उनके यहाँ जाकर बुढ़े को ऐसी सुनायाऊं कि बस। मुंडी लाता।
अरे नहीं 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 चुप ये सब मेरे लिए लाया है ये सब तेरे लिए देख गोला ला एक टक 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 अगर तू आज मेरे पास रह गया ना तो कल तेरे लिए जिंदा घोड़ा ले आऊंगा और ये जो मोटर है ये नकली है ना असली मोटर ला दूंगा पू 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 बोलेगा अच्छा बेटा तो मैं तो एक बात तो कह अगर तुझे लेने के लिए कोई आ जाए तो मुझको छोड़कर चला जाएगा नहीं ना अरे बेटा ले तो मैं तो ले तो मत तेरी दादी मेरे पास है तुम जाओ अपना पूजा पाठ कर लो पूजा तो मैं कर चुकी ओ कर चुकी हो जाओ ना रसोई घर में जाके अपना काम काज संभाल लो आज तुम मेरे काम की इतनी फिक्र क्यों हो काम की फिक्र हाँ वो जो मैं बाजार से कच्चा पपीता लाया था ना तरकारी बनाना भूलना नहीं वो तो मैं नहीं भूलूंगी लेकिन तुम आज इतने घबराए हुए क्यों है कहाँ ये शोरगुल कैसा हो रहा है नहीं शोरगुल क्या कुछ नहीं तुम जाओ ना जाओ ना जाओ दादी देखो तो माया सिर्फ मैं बढ़ा रही हूँ और ये सब क्या है ये सब खिलौने हाँ बच्चा है जहाँ भी जाएगा खेलेगा ले जाएगा हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं और ये सब किस लिए लाए हो ये जूते ये कपड़े ये बजूल क्यों निकाल रही हो रहने भी दो ना ये सब किस लिए बस दादी दादा और क्या लाए देखोगी साइकिल मेरी है अच्छा हाँ। साइकिल तुम्हारी है हाँ, मेरी निकल बाहर ऑटो चल मेरे साथ मेरी वैसी माया पाया नहीं है दादा तो तुझे सिर्फ डांटते ही रहते हैं है ना टॉम तू उनके पास नहीं जाना मेरे पास रहना वो अच्छे नहीं है हाँ, दादा अरे शैतान अच्छा देख ये सब मिठाई तुझे दूंगी अब बता दादा अच्छे हैं या मैं तुम मुझे एक मिठाई दे ये क्या हो रहा है अब पाजी तू बिल्कुल थाली का बैगन है देखो कमल की माँ अब टोमेटो हमारे पास रहेगा छह दिन तक जब कोई लेने नहीं आया तो अब भला कौन आएगा हाँ, कोई नहीं आएगा। देखो मुझे तो लगता है ये कमल का ही लड़का है देखती नहीं हो इसकी सूरत हम लोगों से कितनी मिलती जुलती है हाँ उस दिन तुम ठीक कह रहे थी ये नाक और ये ठुड्डी ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी और आंखें हूबहू तुम्हारी जैसी एक बात कहो ना अब बहू रानी को भी घर ले आओ टमाटो कहता था बहू रानी बड़ी सुंदर है अच्छा सच इसलिए तो कहती हूँ तुम कमल से कहो ना कि बहू रानी को घर ले आए मैं कहूँ नहीं 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 ये ठीक नहीं होगा तुम कहो ना कम से कम बरखुदार से ये तो पूछ लो कि बहू रानी को उसने रखा कहाँ है फिर समझो हम लोग जाके ले आएंगे और तो मैं तो फिर कहीं नहीं जाएगा क्यों बेटा कौन क्या कोई आपसे मिलने आया इस वक्त अच्छा चल देखो कौन आया कौन है तू पहचानता है जी नहीं कोई एक देवी जी है देवी जी क्या चाहती कहती है आपसे ही मिलना है कुछ जरूरी काम से मिलना है जरूरी काम कहीं इश्तहार देख कर तो नहीं आई हो सकता है सरकार हो सकता है तुझसे ये कहते नहीं बना कि मैं घर में नहीं हूँ सरकार आप तो घर में ही हैं मैं घर में हूँ तो तेरे बाप का क्या मैं अपने घर में नहीं रहूं तो गली गली मारा मारा हाँ हाँ तो कहीं का अरे उषा तुम मजे में हो ना कमक ने जाकर कहा कि कोई देवी जी आई हैं अच्छा ही हुआ कि तुम आई हो मैं समझा था कि इश्तहार देखकर कोई आया होगा कमल से मिलने आई हो ना घर ही में है जा छोटे साहब को बुला दे जा मैं कमल से मिलने नहीं आई इश्तहार ही देखकर आई इश्तहार देखकर आई हो
इश्तहार से तुम्हें क्या वास्ता? मैं टमाटर को लेने आई हूँ। टमाटर को लेने आई हो? यानी मैं तुम्हारा मतलब ओह समझा। हो छह दिनों तक कोई नहीं आया, इसीलिए कोई नई तरकीब सोचकर कमल ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। खूब देखो उषा, मैं तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ, मुझसे कोई चालबाजी नहीं चलेगी, मैं सब समझता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, कमल की किसी तरकीब या चालबाजी से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं तो सिर्फ टमाटो को लेने आई हूँ। क्यों, तुम उसे क्यों ले जाओगी, उस पर तुम्हारा क्या हक है? मान लीजिए कि मैं उसकी माँ हूँ। माँ? टमाटो की माँ? जाने तुमने कमल से शादी की है? मैंने किसी से शादी नहीं की है। क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम लोगों ने शर्म लिहाज सब भूल कर पी लिया है? शादी नहीं की और क्या सबूत है कि टमाटो तुम्हारा लड़का है? कहाँ गई थी मम्मी, इतने दिनों क्यों नहीं आई मम्मी? टमाटो, और भी कोई सबूत चाहिए आपको? उम्मीद है अभी से मेरे साथ भेजने में आपको कोई एतराज ना होगा। नहीं, लेकिन ये जैसे तुम्हें मम्मी कहता है वैसे ही और किसी को पापा भी कहता है, उसकी राय भी जरूरी है। अभी तक नहीं आया, इधर आ। आपने बुलाया बाबा जी? हाँ। उषा, तुमने? उषा टमाटो को ले जाना चाहती है। क्यों क्यों? जैसे कुछ जानते ही नहीं, इसलिए कि वो उसकी माँ है। ठीक है, अगर माँ अपने बेटे को ले जाना चाहती है तो हम क्यों रोकें? जरूर रोकेंगे। टोमेटो के बाप के कहने से क्या होता है, उसके बाप का बाप कहता है कि टोमेटो इसी घर में रहेगा। ये आपकी जबरदस्ती है। देखो उषा, अगर तुम उसकी मम्मी हो तो मैं भी उसका दादा हूँ। लेकिन बाबूजी। चुप रहे नालायक, टोमेटो तुम्हें पापा कहता है और तुम्हें मम्मी, और तुम दोनों कहते हो कि हमारी शादी नहीं हुई है। बाबूजी आप सुनिए तो मेरी बात। सुनू क्या, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही इसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए कि तुम दोनों का रिश्ता क्या होगा, समझे? चल चल टोमेटो, हम दोनों साइकिल पर चढ़ेंगे। चल अपने घर में मेरी बेइज्जती करके तुम्हारा जी नहीं भरा था, जो मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ तक दौड़ी चली आई। इसमें नीचा दिखाने की क्या बात है, मैंने तुम्हारी क्या बेइज्जती की? ये बेइज्जती नहीं तो क्या है, तुम्हें मालूम था टमाटर मुझे पापा कहकर पुकारता है, फिर बाबूजी के सामने उसकी माँ बनकर आने की क्या जरूरत थी? ये बात तुम नहीं समझ सकोगे। नहीं समझ सकोगे? तुम अगर मुझे समझ ही सकती तो किसी दूसरी लड़की के साथ। खैर जाने दो, तुम लोग तो जैसे भी हो टमाटो को बाहर निकालने पर तुले हुए, इसीलिए अखबारों में इश्तेहार भी दे रहे हो। अगर मैं ही उसे ले जाऊं तो क्या हर्ज, वो मेरा बेटा ना सही, तुम्हारा बेटा होने के नाते ही मैं उसे पाल पोस लूंगी। बेटा बेटा बेटा, तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना देना चाहते हो, मैं किस तरह समझाऊं कि वो लड़का मेरा कोई नहीं? ये तुम कभी नहीं समझा सकोगे। क्यों? जो शख्स तमाम आवारा लड़कियों के साथ। फिर वही बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हो तुम। मैं? हाँ तुम, सिर्फ तुम। अगर तुम मेरा साथ देती तो कोई मुझे गुमराह ना कर पाता, मेरे करीब आने की किसी की हिम्मत तक ना हो। पापा, पापा। चुप, पापा, पापा। एक और मुसीबत आ पड़ी कि जिंदगी का चैन करार हो गया, चला जाएगा, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो? नहीं पापा। मैं तेरा कोई नहीं, निकल जाए। उस बेचारे को क्यों मार रहे, उसका क्या कसूर? कसूर तो मेरा है, एक अनजान और अजनबी लड़का मुझे पापा कहने लगा, और ये भी मेरा कसूर है कि रीता गुप्ता के बाप ने मुझसे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। मेरी किस्मत ही हमेशा मुझसे मजाक करती रही, वरना मेरी सीधी और सच्ची बात पर तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैं कोई नीच हरकत नहीं कर सकता, ये जिस तरह मैं जानता हूँ उसी तरह तुम भी जानती हो, फिर भी तुमने अपनी इज्जत का ख्याल किया, बाबूजी ने खानदान की इज्जत का ख्याल किया, लेकिन मेरा ख्याल किसी को ना आया। तुम लोगों के मान और इज्जत की दीवारें दिन ब दिन ऊंची होती गई, और उन चार दीवारों में कैद होकर मुझ पर क्या गुजरती रही ये कभी तुमने सोचा? कमल, उषा, क्या तुम अब तक नहीं समझ सकी कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हें भुलाने के लिए किया, लेकिन भूल नहीं सका। तुमने मुझे जितना दूर हटाया मैं तुम्हारे उतने करीब आता गया, लेकिन तुम। कमल, क्या कहना चाहती हो? नहीं, अब
मुझे कुछ नहीं कहना है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा उषा, अब तो बाबूजी को कोई इतराज नहीं। कहो कि तुम्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। कहो उषा, खामोश मत रहो। कमल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना उषा। समाचो अगर हम दोनों से अपना बेटा मान लिया, आखिर इसी की वजह से मैं तुम्हें